इस आदमी ने 30,000 करोड़ रुपए का स्कैम करा, जिसे गवर्नमेंट को लीगल मानना पड़ा। ये इंसान एक फ्रूट वेंडर से करोड़पति बन गया इसकी मदद से। एक टाइम पे इसके पास इतना पैसा था कि इसने 93 लाख रुपीज एक मुंबई की बार डांसर पर उड़ा दिए थे। मैं बात कर रहा हूँ स्कैम 2003 के स्टार अब्दुल करीम तेलगी के बारे में। इस आदमी के स्कैम को सुनकर हर आदमी शॉक में था, और सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि 20 साल बाद भी तेलगी के ऑपरेशन कैसे चलते थे पूरी तरह किसी को नहीं पता। भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा, नया कुछ नहीं है। आज हम बताएंगे आपको तेलगी की स्टोरी लाइक नेवर बिफोर, कि कैसे इस आदमी ने इतना बड़ा स्कैम करा जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, लॉयर्स और इवन पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व थे। ओरिजिन। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से शहर खानापुर में हुआ था। उसके पिताजी एक हम्बल रेलवे वर्कर थे। जब तेलगी सिर्फ 7 साल का था, उसके पिताजी की डायबिटीज से अनटाइमली डेथ हो जाती है। आफ्टर लूजिंग हिज फादर, तेलगी ने रेलवे स्टेशन पे फ्रूट वेंडिंग का काम शुरू करा, जिसमें वो, उसकी माँ और उसके दोनों छोटे भाई रेलवे स्टेशन पर फ्रूट बेचा करते थे। खानापुर रेलवे स्टेशन पे उस टाइम पे 10 से 12 ट्रेन आती थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। इतने स्ट्रगल के बाद भी तेलगी ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। ऐसी और जॉब करते करते तेलगी ने 1984 में ग्रेजुएशन पूरी करी, जिसके बाद उसे पता चला कि मुंबई में उसे अच्छी जॉब मिल सकती है। उसी साल मुंबई मूव होने के बाद उसे एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिलती है। इस जॉब में उसे 3800 रुपीस पर मंथ मिलते थे, लेकिन परफॉर्मेंस कमजोर होने की वजह से उसे कुछ महीने बाद इस जॉब से निकाल दिया गया, जिसके बाद उसने मुंबई में ही गेस्ट हाउस में एक मैनेजर की जॉब पकड़ी, जहां उसकी मुलाकात उसकी फ्यूचर वाइफ शाहिदा बेगम से हुई, और 1987 में इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन तेलगी अब भी अपनी लाइफ से खुश नहीं था, उसके सपने बहुत ऊंचे थे, जिस वजह से उसने मिडिल ईस्ट जाने का फैसला करा। ही वेंट टू सऊदी अरेबिया और वहां उसे एक अच्छी जॉब भी मिल गई, लेकिन उसे भी वो बहुत टाइम तक नहीं चला पाया, जिसके बाद उसने मिडिल ईस्ट में भी कुछ और जॉब्स करके अपना गुजारा करा। लेकिन उसे वहां रहकर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का पता चला। उसे वहां रहते हुए रियलाइज हुआ कि उसी की तरह बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट ट्रैवल करते हैं टू फाइंड बेटर वर्क एंड टू लिव अ बेटर लाइफ। तब उसने डिसाइड करा कि वो मुंबई जाकर अपनी खुद की ट्रैवल एजेंसी खोलेगा, जहां से उसकी लाइफ का दूसरा पार्ट शुरू होता है। फर्स्ट फ्रॉड। ट्रैवल एजेंसी शुरू करने के लिए उसने छोटी सी जॉब रेंट पर ली और अपनी कंपनी का नाम रखा अरेबियन मेट्रो ट्रैवल्स। ट्रैवल एजेंसी के काम में उसको उस टाइम काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ टाइम बाद लालच में आकर तेलगी ने डॉक्यूमेंट्स की फॉर्जरी शुरू करी। बहुत से लोग गल्फ कंट्रीज में जाना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, जिसकी वजह से उनके वीजा और पासपोर्ट अप्रूव नहीं होते। इसीलिए अपनी एजेंसी के अप्रूवल रेट को बढ़ाने के लिए उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने शुरू करे, लेकिन ये उसे बहुत महंगा पड़ा। उसके फेक डॉक्यूमेंट्स भी पकड़े जाने लगे, जिसकी वजह से कुछ कस्टमर्स ने उसके ऊपर चीटिंग का केस डाला, एंड अल्टीमेटली इमिग्रेशन अथॉरिटीज की उसके ऊपर नजर पड़ी, और 1993 में तेलगी को मुंबई पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके ऊपर इमिग्रेशन एक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चार्जेस लगे, जिसकी वजह से उसे कुछ साल के लिए जेल जाना पड़ा, जहां से उसकी एक्चुअल क्रिमिनल लाइफ स्टार्ट होती है। जेल में लोगों को भेजा जाता है ताकि वो सुधर कर बाहर आए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग जेल जाते हैं वो बाहर आकर और बड़े क्राइम्स को अंजाम देते हैं। सिमिलरली जब तेलगी जेल में था, उसकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी से, जो खुद स्टॉक पेपर्स की फॉर्जरी के केस में जेल की हवा खा रहा था। रतन सोनी तेलगी को समझाता है कि छोटे मोटे फ्रॉड से कुछ नहीं होगा, अगर असली पैसा कमाना है तो बड़ा फ्रॉड करना होगा, और वो तेलगी को इंट्रोड्यूस करता है स्टैंप पेपर को फोर्ज करने के आइडिया से। एक स्टैंप पेपर इंडिया के हर लीगल वर्क में यूज होता है, जब भी कोई दो पार्टीज अग्रीमेंट में आती है इस स्टैंप पेपर को यूज करा जाता है। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से इसका रॉ मटेरियल, इंक और प्रिंटिंग मशीन्स बहुत एक्सक्लूसिव होते हैं, और इसका पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होता है, और ये सिर्फ कोर्ट्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी ऑफिसेस और पोस्ट ऑफिसेस में ही मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, गवर्नमेंट लाइसेंस वेंडर्स भी इसको बेच सकते हैं इन केस अग्रीमेंट के लिए स्टैंप पेपर अवेलेबल नहीं है, तो गवर्नमेंट कुछ एडेसिव स्टैंप्स यूज करती है जो सेम काम में यूज हो सकती है। रतन सोनी तेलगी को बताता है कि वो कैसे ऑलरेडी फ्रॉड स्टैंप पेपर बना के करोड़ों रुपए कमा चुका है, और ऑल्दो ये डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टिल गवर्नमेंट ने इसके सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स छोड़े हुए हैं, एंड दिस इज देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू अर्न इन बिलियन। और यहां से शुरू होती है तेलगी की जर्नी टू बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रॉडस्टर्स इन इंडिया। रतन सोनी और तेलगी प्लान बनाते हैं जेल से निकलकर फ्रॉड स्टैंप पेपर्स बनाने का, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरत थी स्टैंप पेपर वेंडर्स लाइसेंस की, जो हर किसी को नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो 3 साल की वेटिंग के बाद। लेकिन यहाँ उनके काम आता है इंडिया का करप्ट सिस्टम। 1994 में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करके सिर्फ 3 महीने में तेलगी लाइसेंस हासिल कर लेता है, और उसके फ्रॉड बिजनेस की शुरुआत होती है। वो सबसे पहले यूज स्टैंप पेपर्स और एडिसिव स्टैंप्स पे से राइटिंग मिटाता है और उनको रीसेल करना स्टार्ट करता है। उसके साथ साथ खुद के स्टैंप पेपर्स बनाना भी शुरू कर देता है, और उन्हें प्राइवेट कंपनीज, लॉ फर्म्स और गवर्नमेंट ऑफिसेज में डिस्काउंट पर बेचता है। अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए वो नकली स्टैंप पेपर्स के साथ 25% असली स्टैंप पेपर्स डालता है। ये सब करके उसकी कंपनी का टर्नओवर 1996 में 10 करोड़ तक पहुंच जाता है। 1997 में रतन सोनी और तेलगी सेपरेट हो जाते हैं, और तेलगी डिसाइड करता है 10 करोड़ आर नॉट इनफ फॉर हिम। उसे इतनी अच्छी क्वालिटी के स्टैंप पेपर्स प्रिंट करने थे, विच आर आइडेंटिकल टू व्हाट गवर्नमेंट मेक्स। उसके लिए उसे वही प्रिंटिंग मशीन, इंक और पेपर यूज करना होगा जो गवर्नमेंट यूज करती है,
जिसके लिए उसकी नजर पड़ती है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक पर, जहां इंडिया के सारे स्टैम्प पेपर्स प्रिंट होते थे। एंड लकीली फॉर हिम ISP अपनी पुरानी मशीन्स को ऑक्शन कर देता था, सो दैट पीपल कैन सेल इट एज अ स्क्रैप। दिल्ली इन्हीं मशीन्स को ऑक्शन में हाई बिड करके खरीदता है और ISP के ऑफिशियल्स को ब्राइब करके इन्हें रिपेयर करा लेता है, और उन्हीं इंडियन सिक्योरिटी प्रेस ऑफिशियल्स के साथ मिलकर वो स्टैम्प पेपर्स की रॉ मटेरियल लाइक इंक, पेपर और अदर मटेरियल्स को सोर्स करता है, और इन मशीन से अपने खुद के स्टैम्प पेपर्स प्रिंट करके ऑल ओवर इंडिया उन्हें सेल करना शुरू करता है। अब क्योंकि वो इन स्टैम्प पेपर्स को गवर्नमेंट से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में बेचता था, उसका ही फ्रॉड बिजनेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। उसका बिजनेस इतना बढ़ जाता है कि ये 2000 और 2001 के बीच सिर्फ कर्नाटका में वो 350 करोड़ के स्टैम्प पेपर्स बेच देता है। कर्नाटका के अलावा उसका नेटवर्क 20 और इंडियन स्टेट्स में फैला होता है, सो यू कांट इवन इमेजिन द अमाउंट ऑफ मनी ही वाज मेकिंग, जिसकी वजह से ये इंस्टेंस बाहर आया। एक रात जब वो मुंबई के एक बार में अय्याशी कर रहा था, उसने एक बार डांसर पर 93 लाख रुपीज उड़ा दिए थे। उस टाइम पे 93 लाख रुपीज में दिल्ली में 3 3BHK फ्लैट्स आ सकते थे, बट एवरीथिंग दैट गोज अप हैज टू कम डाउन, एंड नाउ इट वाज तेलगी'स चांस टू रीच द रॉक बॉटम। तेलगी का ध्यान हमेशा से क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स पर रहता था। वो बहुत जल्दी से बहुत सारे पैसे कमाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने इलीगल मोड्स का सहारा लिया, और वो भूल गया था कि सीधे रस्तों से भी बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज इज स्टॉक ट्रेडिंग। वी एट इनकॉमेट हैव ट्रेन्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इनटू प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स, और अब हम आपके लिए लाए हैं ट्रेडर्स क्लैन, एक स्पेशल प्रोग्राम जिसमें ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स आपको देंगे 4 महीने की लाइव ट्रेनिंग, जिसमें होंगी लाइव क्लासेस और लाइव ट्रेडिंग सेशंस विद एक्सपर्ट्स, जो बनाएगा आपको ट्रेडिंग के जीरो से हीरो। एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स चूज करे जाएंगे, जो कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिखाएंगे, उन्हें इनकॉमेट की तरफ से 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की फंडिंग दी जाएगी। तो ट्रेडर्स क्लैन के लिए आज ही एनरोल करिए। टू नो मोर अबाउट ट्रेडर्स क्लैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। आफ्टर ईयर 2000 ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे फेक स्टैम्प पेपर्स पकड़े जाने लगे, जिनकी वैल्यू करोड़ में थी। वन ऑफ द मेजर बर्स्ट वॉज फ्रॉम पुणे, जहां तेलगी की एक स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग फैक्ट्री पर रेड पड़ी और हंड्रेड ऑफ करोड़ के फेक स्टैम्प पेपर्स पकड़े गए, अलॉन्ग विद प्रिंटिंग मशीन एंड अदर रॉ मटेरियल। कर्नाटक और महाराष्ट्र तेलगी के लिए सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट्स थी। पुणे की रेड के बाद दोनों ही स्टेट की पुलिस अथॉरिटीज बहुत हरकत में आ गई, और उन्होंने अपनी सेपरेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, which were named Stampet in Karnataka and SIT in Maharashtra. बहुत सारे evidence और witness testimony की वजह से तेलगी का नाम सामने आया और उसके ऊपर numerous cases बने। जब तेलगी को पता चला कि पुलिस उसके पीछे है, वो मुंबई से भाग गया, और 2001 में बैंगलोर पुलिस को टिप मिली कि तेलगी अजमेर में है, एंड इन नवंबर 2001 तेलगी वाज अरेस्टेड। बहुत सालों तक केस चलने के बाद तेलगी को 2007 में मल्टीपल इयर्स ऑफ जेल और 250 करोड़ की पेनल्टी की सजा सुनाई गई। उसके साथ साथ दो पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स भी अरेस्ट हुए, एंड इन 2017 बिकॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट तेलगी पास्ड अवे इन कस्टडी। लेकिन तेलगी की वाइफ का कहना था कि ये डेथ बहुत सस्पिशियस है, क्योंकि इस स्कैम में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस और बड़े बड़े नाम शामिल थे, लेकिन इसकी सच्चाई कभी बाहर नहीं आ पाई। गवर्नमेंट आफ्टर तेलगी ने इतनी क्वांटिटी में फेक स्टैम्प पेपर्स की सप्लाई इंडिया में कर दी थी कि उनका पता लगाना वाज इम्पॉसिबल। एट द एंड गवर्नमेंट अनाउंस कि जितने भी फेक स्टैम्प पेपर्स यूज हुए थे ड्यूरिंग दिस स्कैम वो लीगल कंसीडर करे जाएंगे, क्योंकि अगर इन्हें इलीगल बनाते हैं तो 1996 से 2001 तक जितने भी अग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी पेपर्स, लीगल और जुडिशियल डॉक्यूमेंट्स यूज हुए हैं सभी इलीगल हो जाएंगे। आफ्टर दिस केस स्टैम्प पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी गई। नाउ एवरी स्टैम्प पेपर कम्स विद अ यूनिक नंबर एंड स्टेट कोड प्रिंटेड ऑन इट, ताकि कोई दोबारा स्कैम अटेम्प्ट ना कर पाए। उसके अलावा अब सभी स्टेट्स में ई स्टैम्प पेपर्स यूज होते हैं, विच आर मच मोर डायरेक्टर हंसल मेहता ने इसके ऊपर नई वेब सीरीज बनाई है, विच इज नेम्ड स्कैम 2003 द तेलगी स्टोरी। आई गेस अभी तक आपने लाइक बटन दबा दिया होगा, और अगर भूल गए तो प्लीज क्लिक इट, और ऐसी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल बिजनेस स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू इनकॉमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वन।